अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसां दी होस्ट रहनी चाहते तुसां वेखते पे हो जी वसेप टीवी और असां दा शो रोटी दा स्वाद प्रेजेंटेड बाय जीरा प्लस। हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना। जीरा प्लस से हर चाय का मजा हो दो बाला। जी जीरा प्लस और चाह और मजे दा असां दा शो जिसका नाम है जी रोटी दा स्वाद। और तुसें को पता है कि रोटी के स्वाद में मज़ेदार मज़ेदार खाने भी बनते हैं, नाल मज़ेदार मज़ेदार गल्लां भी होंदी हैं, और नाल नाल थोड़े थोड़े और टिप्स और टोटके और रेमेडी सारी चीज़ें तुसें दसने हैं ताकि तुसें बहुत सारे जो मामलात हैं वो आसान हो जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा असा खाना पकाने हैं कदों नमक ज़्यादा हो जुलता है, कदों मिर्चा ज़्यादा हो जुलती, कदों कच्चा होता है, कदों पक्का होता है, अगर बहुत ज़्यादा नमक हो गया तो किस तरह उसको कम करना है, सारी चीज़ें मैं तो सकना दस सकती। तुसें पता कि ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं गला अच्छी अच्छी बना सकती हूँ, पर मैं खाना इतना अच्छा ना बना सकती, और मैं तुसें ना दस सकती कि अगर कोई गलती तुसें कोल होगी तो उस गलती को संभालना किस तरह है। उस वास्ते जी तुसें पता कैसा है शो की जी रौनक है, जिहड़ा असां शो को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार खुशबूदार चार चंद ला छोड़ दें। शेफ मुनीजा, शेफ मुनीजा को बुलाने अपने शो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एनी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुसीं दसो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, और आज हमारे नाजरीन की पुरजोर फरमाइश पे हम सिखाने जा रहे हैं चिकन जिंजर, जो कि बहुत झटपट रेसिपी है। दावत में बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, इंजॉय करें, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। और क्योंकि अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको तो पता है कि अदरक हाजमे में मदद करता है, गले ख़राब हो जाता है उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत सारी चीज़ों में अदरक जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब इसके साथ हम बनाएंगे रेसिपी तो सोचिए आपके लिए कितनी जायकेदार मज़ेदार और आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल जी, तो आज ऐसा बनाने पर चिकन जिंजर जिंजर अच्छा जिंगर बोलने जिंगर क्योंकि चिकन के नाल जिंगर इस वास्ते क्योंकि फास्ट फूड लोग बहुत ज़्यादा पसंद हाँ। करते हैं, तो कुत्ता ना कुत्ता जिंगर बर्गर और वो चिकन जड़ी होंगी क्रिस्पी वाली, ये चीज़ा ज़्यादा पसंद करने हैं। पर चिकन जिंजर जड़ा रोटी ना खाने या चावल नाल बिल्कुल ना। आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, नान के साथ, चावल के साथ, बहुत सारे लोग जो है वो चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। मैं एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बताऊंगी, मुझे निहारी के साथ चावल बहुत पसंद है, मैंने कभी नहीं खा दे हाँ, और जिसमें मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम क्या खा रही हो, निहारी के साथ चावल कौन खाता है। इसी तरह मेरी देवरानी जो है वो कढ़ाई के साथ चावल खाती है। अच्छा हाँ, तो ये सबके अपने अपने वो होते हैं कि जिसको जैसे खाना पसंद हो उसको वैसे खाने दिया जाए। अपने जायके होंगे बिल्कुल। तो अगर आपको चावल के साथ खाना पसंद है आप बिल्कुल चावल के साथ भी खाएं, वरना रोटी के साथ नान के साथ इसको एंजॉय करें। अच्छा एक चिकन जड़ी जिंगर जिंगर आज एनी ने इसका नाम जो है ना बिगाड़ दिया, वो क्या जिंजर जिंजर यानी के अदरक। अच्छा हाँ। जी ओ आते ना कदो कदो तो समझ जुबान जड़ी लगता है, भूख लग रही है उसको, जिंगर बर्गर याद तो नहीं आ रहा है? तो नहीं, नहीं असल में मुझको जिंगर बर्गर नहीं पसंद, पर जेड़े आसपास लोग हैं ना मेरे मेरे जेड़े दोस्त हैं या मेरे फैमिली वाले उन्हें जिंगर बर्गर बड़ा पसंद है। अच्छा। तो मेरा दिमाग कड़ी कड़ी उस तरह जलता है, पर गल आखना दी ये गल है कि कदों कदों जुबान तो साथ नहीं देती और तुम अल्फाज गलत आ छोड़ दो, जो अल्फाज कहना चाहते हो अल्फाज उस तरह नहीं कह सकते। चलो वो तो असं संभाल सकते हैं, पर एक गल मैं तुम जरूर दसा कि कदों भी कोई गल करो, किसी भी महफिल बिच कोई गल करो, अगर कोई फैसला करो या किसी के हक में गल करो तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि उस टाइम अगर तुम्हारी जुबान की एक गलती जी हो सकता है किसी की जिंदगी को मुश्किल करे। बिल्कुल, तो इस वास्ते जुबान का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के बड़ा एहतियात नाल करो, क्योंकि जुबान जी है आते मेरी अम्मी आते होंगे अस ये जुबान तख्त भी बिठाते और तख्ते उत्ता भी लटका सकते हैं, तो जुबान का जो इस्तेमाल है बड़ा एहतियात नाल करना चाहिए। क्यों जी? अच्छा आपकी अम्मी ये कहती, मेरी अम्मी कहती जुबान जो है ना अर्श पे भी बिठाती है और फर्श पे भी बिठाती है। बिल्कुल है, वैसे एक कुछ इसी तरह था, पर रखिए अगर मैं जरा दूसरी लैंग्वेज की तरफ चली गई इस वास्ते तो बिल्कुल इसी तरह है। तो अमूमन कोशिश करो कि तुसांदी तरफो तुसांदी मौजूदगी किसी को तकलीफ ना देवे, तुसांदी कोई गल किसी दे दिल को ना दुखावे, क्योंकि वो मामला सिर्फ इतना नहीं रहता, वो मामला उतर जुलता और उतर अगर चला जुलता है उसके बाद मामला संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिर अल्लाह तो माफ़ करता है, अगर बंदे ने माफ़ नहीं किया तो फिर अल्लाह भी ना माफ़ कर सी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है एनी, और साथ साथ रेसिपी भी हम शुरू करते हैं हमारी। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि फ्लेम ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, चिकन जिंजर असंदा बनता पे आज, और जिंजर जेड़ी है बहुत ज़्यादा अदरक फायदेमंद है, अदरक दा बहुत ज़्यादा फायदे ने, जो लोग वजन भी कम करते हैं उस वास्ते भी है। जिन्हें लोगों का अमूमन ये होता है कि उन्होंने वजन कम नहीं होता, लोग उसको कावे में भी पा के पीते हैं चाह। अच्छा अदरक वाली चाह भी होती है? मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, और मुझे याद है कि मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं इंडिया गई थी, वहाँ राजस्थान में मैंने अदरक वाली चाय पी थी, और वो चाय की क्या बात थी
कि मुझे आज तक उसका फ्लेवर याद है और मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा जाऊँ और मैं वहाँ पे वो चाय एंजॉय करूँ। कभी कभी होता है ना कि कोई मखसूस जगह की कोई चीज़ आपको याद रह जाती है, कोई बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से मुझे याद है कि मैं ट्रैवल कर रही थी और मैंने जो है मुल्तान से वापसी, हम कराची आ रहे थे और बाई कार थे, तो हम एक पंप पे रुके थे, वहाँ छोटा सा ढाबा बना हुआ था, तो वहाँ मैंने माश की दाल खाई थी। उन्होंने उस माश की दाल के साथ ना टमाटर, हरी मिर्ची और सादी बिल्कुल काट के दी थी, लेकिन इन्हीं मुझे वो जायका आज तक याद है, उस दाल का, उस रोटी का। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ ढाबा था, ढाबे का खाना बहुत ही मजेदार, छोटा सा ढाबा था, लेकिन क्या ही बात थी उसकी। बिल्कुल। और मुझे याद है कि लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के बाहर जो है वो खट्टे मीठे चने जो है वो एक थैली में इतनी सी वो दे रहे थे और बड़े मजे के थे। तो इस तरह जब भी ट्रैवल करते हैं तो चीजें याद रहती हैं, चीजें आपको याद रहती हैं। और साथ साथ हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन आधा कप के करीब तेल ले लिया है और इसके अंदर क्योंकि चिकन जिंजर है तो यकीनन इसमें अदरक की मकदार ज्यादा ही जाएगी, यानी कि जायका अदरक ज्यादा आएगा। ठीक है, इसमें लहसुन हम शामिल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है वो आधा कप के करीब जो है वो अदरक ले लिया है, उसको बारीक काट लिया है। और ये तमाम अदरक जो है ना थोड़ी सी मैं बचाऊंगी जो बिल्कुल लास्ट में शामिल करूंगी, ठीक है जी, लेकिन बाकी मैं सारी जो है इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, और इसको हमने गोल्डन जो है वो फ्राई करना है। अच्छा, अदरक जी। अदरक। कोई ऐसी मतलब जिस तरह मैंने दो तीन जगहें बताई, इस तरह बहुत सारी खैर जगहें हैं मेरी मेमोरीज में जहाँ का बस वो खाना मुझे याद रह गया। कोई ऐसा बताओ कि कुछ तुम्हें कहीं का याद रह गया हो। मुझे मुको जड़ा है ना, मैं बलूचिस्तान एक बार गई हाँ जो, और वो किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे गई असी। अच्छा, वो उस जगह की कोई रेस्टोरेंट की चीज़ ना सी, पर जिस गेस्ट हाउस में असा रहे असियाँ उथा एक बावर्ची आसा जिसको मैं आज तक याद करनी हूँ। उस बावर्ची ने मटन पुलाव बनाया सा और इतना कोई मज़ेदार कि अज ती वो पुलाव मुको कदों नहीं मिले, इतना कोई मजे का पुलाव आ सा। और इसी लाहौर के जड़े पकौड़े वाला नान। अच्छा, पकौड़े का नान। नान दे उत्ता पकौड़े चिपके दे होंदे, पता नहीं किस तरह बनाते मुको नहीं पता, पर पकौड़े बिल्कुल चिपके दे होंदे नान उत्ता। अच्छा। और बड़ा ही मजेदार लगता है जी। अच्छा जी, अदरक जड़ी है हल्के हल्के सौते होंदी पी और तुसे पता है। मैं बोलूं। हां, वेला थी गया है ब्रेक दा, छोटी जी ब्रेक दा। बिल्कुल जी, ब्रेक दा वेला ते थी गया है, पर ओदे नाल नाल जी जीरा प्लस हमारे साथ है। हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना, जीरा प्लस से हर चाय का मजा हो दुबाला। जीरा प्लस का ताजा, खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी और में कहां। जीरा प्लस है हर चाय का प्लस। तो लेते एक ब्रेक, मिल लिया ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, असा ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तुसा देखते पे असा चैनल वसेप टीवी और असा दा शो रोटी दा स्वाद प्रेजेंटेड बाय जीरा प्लस। और अदरक दी खुशबू मजेदार आला किस्म दी आंदी पी है। अच्छा जी शेफ मुनीजा, इसको हल्का जो सौते करना है या बिल्कुल ब्राउन करना है, किस तरह करना है? इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा। जिस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ठीक। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 500 ग्राम चिकन, यानी आधा किलो चिकन जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम इसमें फ्राई करेंगे अदरक के साथ। ठीक है, तो इसको हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। और फिर उसके बाद आप इसमें बोनलेस चिकन ले सकते हैं, बगैर हड्डी की चिकन ले सकते हैं, हड्डी वाली चिकन ले सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ हड्डी वाली चिकन ली है और यकीन मानो यानी इतने मज़े का बनता है और बहुत डिफरेंट बनता है। और जैसे तुम्हें खुशबू बिल्कुल अलग सी, बिल्कुल अदरक के नाल बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़बरदस्त आला। अच्छा, कभी नोट किया कि कभी हम सिर्फ जो है ना वो सादी, जिस तरह मैं और एनी बात कर रहे थे, एनी ने मुझे बताया कि एनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाती है, और जो हमारे पठान भाई बहन हैं उनके फ्लेवर्स बड़े डिफरेंट होते हैं, वो जो है ना बहुत चटपटा खाना नहीं खाते, वो जो एक्चुअल फ्लेवर्स हैं वो इन्जॉय करते हैं। जैसे दुम्बा है तो उसके ही गोश्त फैट में यानी चर्बी में खाना पकाते हैं और उसमें हरी मिर्चें या काली मिर्च इस तरह के हल्के मसाले जो है वो डालते हैं। और यकीन करो कि इस तरीके से जब हम बनाते हैं जिनमें मसाले कम और देसी चीज़ों से जायके डाले होते हैं तो बड़ा मज़े का बनता है। बिल्कुल इसी तरह है। और मसाले पता नहीं क्यों वो इस तरह लगता है, ज़्यादा मसाला खा के ना मुझको लगता है कि जिस तरह मुझको अजीब जी उलझन शुरू हो जुलती है, मेरी ज़ुबान भी वो जायका नहीं ज़्यादा मसाले का बर्दाश्त कर दी, और फिर मुझको घबराहट शुरू हो जुलती, मसाले ऑयल ज़्यादा
और ज़्यादा भुने का जो सालन नहीं होंगे अक्सर अमूमन लोग बहुत भुनी दी सब्जी लाल सुरख मसाले दी मारी दी बिल्कुल भी नहीं मुको बिल्कुल लाइट मसाले बिल्कुल कम ऑयल कम मिर्च बिल्कुल तरीके का नमक बिल्कुल और सब्जियां अगर खासा तो सब्जियां खासा वरना अगर खाना है तो फिर वो दुम्बे का गोश्त या मटन बस। अच्छा यानी सब्जी भी हमारे यहाँ लोग इतना पका देते हैं पका पका के हाँ। उसकी जो तवानाई है जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर वो सब खत्म कर देते हैं और फिर वो आखिर में सिर्फ वो समझो कि वो इस तरीके से होता है कि सिर्फ आपका पेट भरता है लेकिन वो आपको कोई ताकत तवानाई कुछ भी नहीं दे रहा होता। बिल्कुल इसी तो सब्जियों को भी ना थोड़ा सा कच्चा पक्का रखना चाहिए है उसका क्रंच रखना चाहिए है ताकि उसका जायका भी अच्छा रहे और उसमें वो न्यूट्रिशन जो है वो उसके हैं वो बाकी रहे। अच्छा ये देख रही हूँ हमारी चिकन जो है वो साथ साथ पक रही है इसको जो है हम ढक देते हैं थोड़ा सा। अच्छा मतलब नाल ए फ्राई भी हुआ है इसका कलर भी चेंज हुआ है नाल ए गल भी जुला है। हाँ, सारे काम नाल बिल्कुल ठीक है मतलब कोई पानी नहीं पाया चिकन आपड़े ही पानी बिच गलसी भी उसी बिच पुन भी जुलसी उसी बिच गल भी जुलसी है ना बिल्कुल। और शेफ हो गए मैं यहाँ पे जो है मैंने जो है थोड़ी सी हरी मिर्चें ली है टमाटर यहाँ मैंने दो ले लिए हैं उनको बिल्कुल पीस लिया है और फिर मसाले हम डालेंगे और बताएंगे क्या मसाले इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और मुझे याद है यानी बड़े आज खाने पीने की इतनी सारी बातें हो रही हैं और जगहों की बातें हो रही हैं तो मुझे बड़े मज़े की याद आई मुल्तान में एक जगह मिलती है पेड़े वाली लस्सी। आए हाय तो मैं मुल्तान चली जुला फिर पेड़े वाली लस्सी पी के आसा। हाँ, यार वो इतने मजे की होती है और अच्छा। लेकिन जो है वो बहुत हैवी होती है। पेड़ा मलाई दा होता है या मिठाई वाला जो पेड़ा होता है वो होता है। अच्छा ठीक है। और जो है वो जो है ना लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरे जैसा बंदा ना खाली पेट जाए कुछ ना खाए वो लस्सी वो पी ले उसके बाद पेट फुल पेट फुल। वैसे तो हमारे जो पंजाबी भाई बहन है माशाल्लाह माशाल्लाह उन लोग की खुराक। अच्छा पंजाब की हवा भी बहुत अच्छी होती बिल्कुल है खाना आपको ना हजम बहुत अच्छा हो जाता है और मुझे पंजाब का पानी भी बहुत पसंद है उसका जायका बहुत पसंद है। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं पंजाब साइड पे तो ये क्या होता है कि खाना बड़ा जल्दी जल्दी हजम हो रहा होता है और एक एनर्जी सी होती है। अच्छा कराची में क्योंकि समंदरी हवाएं हैं तो उसकी वजह से जो है ना वो आप थोड़े सुस्त हो जाते हो थोड़ी सी थकावट ज्यादा होती है ऐसा बिल्कुल इसी तरह है। और तुसा अगर पंजाब साइड उता जुलो तुसा अगर कश्मीर साइड उता भी जुलो यकीन करो कि तुसा कश्मीर उता जद जुलदे हो ना कश्मीर जुलदे हो ता तुसा दी खुराक जिस तरह खांदे हो फौरन हाँ बिल्कुल फौरन हजम भी होंदी है। और यकीन करो जीरा प्लस अगर तुसा उस मौसम में चाय नाल खाओ ओ वाह मजा आ जुलदा है। मजेदार मौसम हरियाली पहाड़ कड़क चाह और नाल जीरा प्लस भाई तो फिर स्वाद ही अलग हो जैसे चाय और गुफ्तगू का प्लस तो है सिर्फ जीरा प्लस। और एनी मेरा दिल कह रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब को कहें कामरान गुल साहब को कि हमारे लिए मज़ेदार सी चाय जो है वो तैयार करवाएं और हम शो ख़त्म होते ही जीरा प्लस के साथ चाय इंजॉय करेंगे कामरान साहब भाई तो ये आपने करवा लेना है। और साथ साथ अब जो है मैं बता दूं कि हमने इसमें आगे क्या ऐड करना है। देखो चिकन हमारी फ्राई हो गई है गल गई है मतलब कलर भी चेंज हो गया कलर भी चेंज हो गया ठीक है। अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करूंगी मैं कटी हुई ठीक है इसको भी इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करूंगी और फिर मैं इसमें जो है वो टमाटर शामिल करूंगी। अच्छा हरी मिर्चों का इसके साथ बड़ा अच्छा सा जायका आएगा आखिर में भी हम डालेंगे थोड़ी सी लेकिन थोड़ी सी अभी हम फ्राई करने में भी डाल लें। अच्छा अगर कुछ लोग चावन के भाई असा बोनलेस चिकन अगर इस बीच इस्तेमाल करा तो कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं और जो है जैसे आपको पसंद हो। अच्छा यही चीज़ अगर आप मटन में या बीफ में भी बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं आपने बस मटन और बीफ को जो है उबाल के इसमें इस्तेमाल कर लें। और उबालना कैसे है आपने उसको लहसुन अदरक का पेस्ट पानी और मटन और या बीफ जो भी आप ले रहे उसको ढक के रख दें इतना कि वो गल जाए जब गल जाए तो आप इसमें उसको शामिल कर दें उसकी यखनी जो बचे वो भी आप शामिल कर दें तो उससे भी बड़ा अच्छा जायका आएगा ठीक है। अच्छा मुझको शेफ मुनीजा दसो कि जिंदगी में मतलब बचपन तो कोई खौफ किसी चीज़ का ऐजा है कि आज भी अगर वो चीज़ सामने आवे या वो चीज़ होवे या कुछ भी तो खौफ है उसका किसी चीज़ का फोबिया है नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का नहीं। हाँ बस ये कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से होता है मुझे कि मुझे नीचे देखते हुए डर लगता है। तो एक वक्त था कि जब मैं जो है वो फिफ्थ फ्लोर पे रह रही थी तो वहाँ पे मुझे अपनी जात से ज़्यादा बच्चों का डर होता है क्योंकि पता है आप फिफ्थ फ्लोर पे होते हो बच्चे कभी बैल्कनी में चले जाएँ या कभी इस तरह तो ये कि बच्चों के लिए ज़्यादा डर लगता है बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज़ का डर नहीं है। ठीक है जी पर ये डर मुको है मुको सिरिंज जो इंजेक्शन है उसका खौफ है बचपन तो और नाल एक और चीज़ जो कि कराची की हर गली में तो नज़र आती जिसको इंग्लिश में डॉग आते हैं और उर्दू में कुत्ता आते हैं उसका खौफ मुको बहुत ज़्यादा और उसकी वजह ये
कि बचपन में मैंने आपने प्राउड देखा कि उसको कुत्ते ने कटिया और एक खौफ मेरे जहन में बैठ गया, क्योंकि मेरा वो रिश्ता बड़ा एजा सा कि जिस नाल मेरी ज़्यादा मोहब्बत आसी दिल में एक खौफ बैठ गया। और तो सा देखते पे असंदा शो वसेब टीवी ता रोटी दा स्वाद किनसा एक ब्रेक मिलसा ब्रेक तो बाद वेलकम बैक जी नाज़रीन, असा ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तुसा देखते पे असा चैनल वसेब टीवी और असा शो रोटी दा स्वाद प्रेजेंटेड बाय जीरा प्लस। मज़ेदार तड़के, मज़ेदार खाना, हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना। जीरा प्लस से हर चाय का मज़ा हो दोबाला। जीरा प्लस का ताज़ा खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी और में कहाँ। जीरा प्लस है हर चाय का प्लस। जीरा प्लस और चाय हो साथ तो गुफ्तगू ख़त्म ना हो। चाय और गुफ्तगू का प्लस है जीरा प्लस। जिस तरह ये दोनों इनकम्प्लीट है, चाय नामुकम्मल है जीरा प्लस के बगैर और जीरा प्लस नामुकम्मल चाय के बगैर, वैसे एनी नामुकम्मल है शेफ मुनीजा एनी के बगैर। बिल्कुल, और अल्लाह इसी तरह असम में मोहब्बत कायम रखे और इसी तरह असा अगा चलते रहे, वहाँ किसी की नज़र न लगे। पंच मिर्चा है न साबुत, अभी मैं मिर्चे का ट्रक उतरवाती हूँ और मंगवाती हूँ और उतरवाती हूँ। अच्छा वैसे ये कड़ी गल है कि नज़र लग जाए तो मिर्चा न नज़र उतारो। हाँ। ये चीज है और नहीं, इस चीज को मैं मानती हूँ। अच्छा। और मेरे मियाँ जी है ना, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरी। हाँ। कि कहते हैं हाँ सारी मिर्चें जो घर में आती है ना ये तुम ही खत्म करती हो ऐसे उतार उतार के, तो ये चीज तो है। अच्छा, अच्छा देखो, हमने ना ब्रेक से पहले इसके अंदर टमाटर, दो टमाटर पीसे हुए वो उसके अंदर हमने डाले थे। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्चे शामिल कर रही हूँ, एक चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च, ओके जरा कलर अच्छा करना। हाँ, ओके डन, देगी लाल मिर्च यानी ये, ठीक है। और ये आम जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो है, आधी चाय का चम्मच। काली मिर्चे पिसी हुई जा रही है, एक चाय का चम्मच, ठीक है ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हसबे जायका, हसबे जायका नमक, यानी आपके टेस्ट के हिसाब से। सफेद मिर्च जा रही है एक चुटकी, ठीक है ठीक है। और बाकी चीज़ें हम जो है वो बाद में डालेंगे, ठीक है जी। अजा यही मसाले गए और ये मसाले पाना तो बाद के थोड़ा जा इसको भुनना है। हाँ। ताकि मसाले पक जाए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और अच्छा इसमें ना आप दो चीज़ें कर सकते हैं, वैसे तो ये भुना हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से ग्रेवी आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और जो है इसको हम अच्छी तरीके से आपने भूनना है, इतना भूनना है कि टमाटर जो है इसमें बिल्कुल घुल जाए, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। अच्छा मुझे दसो शेफ मुनीज़ा, लोग आते हैं जेडे टीवी ता शेफ आते हैं या होस्ट होते हैं, मैं पूछना चाहनी आज आवाम दा एक सवाल है, तो सब बोलो आज शेफ मुनीज़ा दा इंटरव्यू है। ओके। दसो कि लोग आते हैं जेडे शेफ इतना कुकिंग करते हैं शो होता है, अपने घर तक खाना ही नहीं पकाते, तो सारे घर खाना कौन पकाता है। अच्छा ये वाकई ये जो है ना इसमें जो है कुछ फीसद हकीकत है ये वाली बात, क्योंकि देखो बात ये होती है कि शेफ चाहे टीवी पे काम कर रहा हो चाहे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो, वो इतना काम कर चुका होता है कि वो घर जाके ना उसके पास ना वो हिम्मत होती है ना वो टाइम होता है। हाँ लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब हम छुट्टियाँ होती हैं या वीकेंड होता है तो हम घर में हर चीज़ पका रहे होते हैं, लेकिन वैसे जो है जब जैसे हम अपनी जॉब के बाद, जैसे आप भी अपनी जॉब के बाद घर जाती हो तो टाइम नहीं होता ना पकाने का या हिम्मत नहीं होती है, तो वो चीज़ें हमारे साथ होती है। तो हमारे घर पे ज़्यादातर अंडे पक रहे होते हैं और अंडे क्योंकि जल्दी पक जल्दे। हाँ। इस वजह से। अच्छा मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मैं शुक्र गुजार होनी थी अल्लाह दी कि कोई 6 महीने हो गए ना मैंने किचन में जुल के चाय भी नहीं पकाई, अल्हम्दुलिल्लाह कि सुकून अमन है। और इसकी वजह ये कि मैं शायद मसरूफियात की वजह तो बहुत ज़्यादा थकी दी होनी है और इतनी गर्मी दे बिच बाहर काम करके, क्योंकि कराची का मौसम थोड़ा तो सारे पता उसी बहुत ज़्यादा गर्म है, बाहर काम करके जब तुम जुलते हो कार तो किचन में जुलना भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। फिर जो असर कार आए हैं वह बड़ा अच्छी तरीके कोऑपरेट करते हैं, सारी तैयारी करके रखते हैं, सारा कार संभाल के रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सब तो ज़्यादा अज मैं ये आसा कि जिस तरह अस अपने घर आया तो शुक्रिया अदा करनी करने
उन्होंने भी शुक्रिया अदा करा जो घर काम कर दे और असा घर को संभाल दे। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कि असा जो ना आने वो इतने अच्छे तरीके असा घर को कहके जुल दिन भले उन्होंने जॉब है पर अगर वो दिल ला के ना करन तो यकीन करो असा अपने कार को बिल्कुल इग्नोर करके नौकरी करने हैं फिर ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सही कहा एनी। और इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारे घर वालों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि मैं ये कहती हूँ उन तमाम ख्वातीन को सलाम है जो इस गर्मी में खड़े होके ना किचन में खाना पका रही हैं, रोटियाँ पका रही हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा गांव की तरफ आप जाओ ना तो वहाँ तंदूर पे भी रोटियाँ औरतें पका रही होती हैं। मैंने देखा किस तरीके से गर्मी में बैठ के धूप में बैठ के, तो मैं कहती हूँ कि सलाम है उन माओं को उन बहनों को जो इतनी मेहनत अपने घर वालों के लिए करती हैं। औरत वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक औरत जो है वो बाप का रोल भी अदा कर देती है, माँ का भी, बहन का भी, हर रिश्ता निभा लेती है। लेकिन एक आदमी जो है ना, सॉरी मर्द हजरात के लिए, लेकिन वो उतने सारे रिश्ते नहीं निभा पाते। कह रहे हैं पैनल पे भी आदमी बैठे थे यहाँ पे कैमरामैन भी आदमी है, लेकिन वो चीज़ है कि देखो वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज्यादा हिम्मत और बहुत सारी सलाहियतें दी हुई है, तो अप्रिशिएट तो करना बनता है। पर एक गल भी है कि मर्द की कोई बीवी नहीं होती है औरत की कोई बीवी नहीं होती, यानी कि बीवी इतनी खतरनाक चीज है कि लोगों ने मीम्स बनाए कि औरत की कोई बीवी नहीं होती, यानी कि बीवी इतनी खतरनाक चीज संभालना। वाकई कि सच है, मैं इस तरह के मीम्स देख के बड़ा मुझे अफसोस होता है कि औरत कितनी खतरनाक है। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, यानी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिस तरह हम दुआ करते हैं कि हमारी बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें, उस तरीके से हमारे बेटों के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें। क्योंकि वाकई एक औरत जो है ना वो सात नस्लों को बनाती भी है, संवारती भी है और बिगाड़ती भी है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल इसी तरह है। और औरत औरत तां कहलांदी है जदों वो पूरे खानदान की इज्जत, क्योंकि उसके कंधे उत्ते होंदी है और इज्जत दशहरा मर्द को तां आपणे सिरा उत्ते महसूस होंदा है जदों औरत जिहड़ा है उसकी इज्जत को संभाल के रखती है। और औरत को हमेशा घर बनाना, खानदान बनाना से अहम किरदार जिहड़ा है वो औरत इस्तेमाल करती है। जिस तरह आते हैं कि लोग, जिस तरह असा माशाल्लाह आज़ाद आ, और आज़ाद का मकसद ये नहीं कि आज़ादी ना असा इतना उतना जुलने पे, आज़ाद का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह करा करो फैमिली ने दस दिया कि ठीक है अगर काम करते पे हो ये तुम लिमिट्स है, खैर तुसंग भी पता है, पर तुम जलो कोई कि पिछों फोन आके असंग तंग नहीं किया जिलता कितना कितना नहीं हो, कोई शक शुबात बिल्कुल भी नहीं। ये होंगी है जी मर्द जदों अपने रिश्ते को वफादार समझदा और कदों वफादार समझदा कि वो आज़ाद करके देखता है कि मेरी बीवी कितनी वफादार है, और जदों वो देख कहता तो यकीन करो कि फिर रिश्ता जड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंदा है। और असा रोटी दे स्वाद दा रिश्ता स्ट्रॉन्ग किस तरह कर सा पता है तुसां? ब्रेक करके। बिल्कुल किन्ने एक ब्रेक मिलने हैं ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाजीना, सब ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तो सर देखते पे असा चैनल वसेब टीवी और असा शो रोटी दा स्वाद प्रेजेंटेड बाय जीरा प्लस। हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना। जीरा प्लस से हर चाय का मज़ा हो दोबाला। जीरा प्लस का ताज़ा खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी और में कहाँ, जीरा प्लस है हर चाय का प्लस। जीरा प्लस और चाय हो साथ तो गुफ्तगू ख़त्म ना हो। जी जीरा प्लस कितना मज़ेदार लगता है ना आँख के, कड़ी कड़ी जीरा जीरा बोल के मुझे लगता है कि मेरा वेट कम होता है क्योंकि जीरे के बड़े सारे फायदे हैं और असं को फायदे चाहना चाहिए ना। वो आते हैं ना जिस तरह किसी भी बीमारी का, किसी भी शफा का जड़ा हल है ना वो टोटका वो तुसां दी किचन में मौजूद है। तो ये तुसां दसने पे आ कि बहुत सारी चीज़ें भी जीरा असं वास्ते फायदेमंद है, अजवाइन असं वास्ते फायदेमंद है, कलौंजी असं वास्ते फायदेमंद है, अदरक असं वास्ते फायदेमंद है, कड़ी पत्ता असं वास्ते फायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ें जिहड़ी असं दे किचन में मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी हमारी चिकन जिंजर जो है वो तकरीबन तैयार है और आखिर में बस इसमें जो है मैं वो चंद चीज़ें ऐड करूंगी। एनी मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जो है वो चिकन पाउडर का ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको बाजार वाला जायका चाहिए तो आप इसमें ज़रूर डालें, नहीं पसंद तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसको डालते हुए आपने नमक बैलेंस करके डालना है और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा अदरक की खुशबू देख रही हो अभी तक आ रही है, जबरदस्त अदरक की खुशबू आंदी पी है। अच्छा अच्छा अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। बस ये हमारा जो है वो तैयार है चिकन जिंजर।
अच्छा और साथ साथ मैं इसकी रेसिपी का भी एक रिकैप दे दूंगी बिल्कुल जो ये रेसिपी असा अपने असा इसको डिश आउट कर सा फिर इसका रिकैप इस वास्ते कि बाज़ दफ़ा ये होंगे कि लाइट नहीं होंगी क्योंकि पाकिस्तान में है ना तो लाइट नहीं होंगी और दोबारा जाइए असंद लाइट आती और असं देखने अद्धा शो होंगे और रेसिपी तैयारी उतना आती फिर बड़ा मसला होता दिल होंगे कि यार अगर किसी का दिल करता और शो शुरू तो ना देख सके तो एक रेसिपी का रिकैप लाजमी है ताकि तुम पता चल चल कि तरीकेकार के है खाना बनाने का ठीक है जी बिल्कुल और जो है ये देखो इसका जो ऑयल है बड़ा प्यारा सा रेड कलर आया है वो मिर्चों की वजह तो जो हमने कश्मीरी लाल में शामिल की थी ना ठीक है उसकी वजह से ठीक है ओके जी तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा ये भी ऊपर शामिल करते हैं ठीक हो गया ठीक थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें अच्छा अल्लाह ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं ना हरा धनिया खाने के जायके वास्ते भी हरा धनिया जड़ा है खूबसूरती वास्ते भी कितना खूबसूरत कलर है रब ने अल्लाह ने कुदरत ने तो कुदरत देखो किस तरह दी है कि असंख जायके भी मिलते पेन असंख कलर भी मिलते पेन खाने को असं अपनी सब्जियां नाल भी सजा रखने तो बस और इंसान को क्या चाहिए फिर वही गल है ना कि असं अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा कर बेशक बेशक अच्छा देखो हमारा चिकन जिंजर जो है वो बिल्कुल तैयार है और मैं आपको रेसिपी का रिकैप भी दे देती हूँ हमने क्या किया सबसे पहले हमने आधा कप के करीब तेल ले लिया उसके अंदर मैंने एक आधा कप के करीब जो है वो अदरक लेके बारीक चॉप कर लिया था बारीक बारीक काट लिया था ठीक है वो हमने ऑयल के अंदर शामिल करा उसको फ्राई करा गोल्डन कर लिया जब इसकी खुशबू पूरे तेल में आ गई तो फिर उसके बाद मैंने उसमें चिकन शामिल कर दी चिकन को भी गोल्डन होने तक पकाया ताकि वो गल भी जाए और उस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए उसके बाद मैंने उसके अंदर दो टमाटर पीस के वो शामिल करे उन तमाम चीज़ों को भूना उसके अंदर मैंने शामिल करी लाल मिर्च एक खाने का चम्मच देगी लाल मिर्च एक खाने का एक चाय का चम्मच ताकि उसको प्यारा सा रेड कलर दे दे इसी तरीके से हल्दी आपने डालनी है आधी चाय का चम्मच काली मिर्च आधी चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च एक चुटकी नमक हसब जायका चिकन पाउडर शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच इन तमाम मसालों को भून लेंगे और इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करी थी उनको भी भून लिया था उसके बाद हमने क्या किया इसको हमने सर्व करा इसके ऊपर आखिर में बिल्कुल पिसा हुआ गर्म मसाला हरी मिर्चें अदरक से हरे धनिया से गार्निश करें गर्मा गर्म नान के साथ खाएं इंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें बिल्कुल और अगर तुम चाहते पे हो कि इसको चावला नाल खाना है तो थोड़ी ग्रेवी ज्यादा बना के ना है ना यही है ना बड़ा शेफ बनना था मेरा दिल आता पे आज वो आते ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ के अंदर तुमको लगता है खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता पे मैं शेफ वाली गलां करना शुरू कर अच्छा ही रंग पकड़ा हां बिल्कुल गल ये कि अगर अच्छी चीज़ तुसा कितों मिलती पी है और अच्छी चीज़ तुसा सीखते पे हो तो ये उस वास्ते भी अल्लाह की तरफों एक वो उसको सवाब भी मिलता है उसका अगर ये वसीला बनते मुको कुछ अच्छी चीज़ सिखाना दा तो अल्लाह इन्हों की खुशियां बच्चे और इजाफा कर सी और अगर किसी दी मतलब एक गल में इस तरह की गलां करनी है ताकि हो सकता है कोई असं की गल की वजह तो अगर बेहतरी अपने अंदर आवे अगर तुसा दी कोई इस तरह की नैगेटिव चीज़ की वजह तो कोई नैगेटिव चीज़ करके और अगर भी वो नेगेटिविटी फैलांदा है तो यकीन करो मुआशरा भी खराब हुंदा है लोगों को तकलीफ भी होंगी है अजियत भी होंगी है तो फिर जब अल्लाह अच्छे का सिला अच्छा देता है तो बुरे दे नाल बुराई का जड़ा है ना रिजल्ट भी बुरा ही होंदा है तो हम तो सोच के ना दो रस्ते हैं अच्छे और बुरे तुसने किस तरफ जुलना है ठीक है अल्लाह ने तुसंक रस्ते दसे तुसंक इजाजत नहीं दी उस जुलना की तुसंक सारी चीज़ा दसी इजाजत नहीं दी तुसा की अपनी मर्जी है तुसा अच्छे रस्ते जुलो तुसा की अपनी मर्जी है तुसा बुरे रस्ते जुलो ठीक है जी बिल्कुल ऐसा ही है और जो है एनी मेरे ख्याल से वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है मेरे ख्याल से एनी के साथ इतना अच्छा वक्त गुजरता है हमारा और आप लोग का भी स्क्रीन के उस तरफ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता होगा हमारे साथ और अपना फीडबैक हमें लाजिम दीजिएगा और जिस तरीके से आप हमें बना के तस्वीरें भेजते हैं इसी तरीके से आप ज़रूर भेजें हमें बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग फरमाइशें करते हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है सराहते हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और जो है मेरे ख्याल से अब हाँ बिल्कुल और यकीनन तो संग रोटी के स्वाद में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इसी तरह मज़ा आंदा रहा सी क्योंकि शेफ मुनीजा खाने बड़ा सन में अच्छी अच्छी गल्लां कर सा और तुसा देख सो वसेब टीवी उतार संग रोटी के स्वाद में अपनी होस्ट एनी शाह को और शेफ मुनीजा को दो इजाजत फिर मिल सा अल्लाह हाफिज़।